हेलो फ्रेंड्स, शाखा में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ लजीज नवाबी पनीर। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पैन को गैस पर चढ़ा के उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और 1 बड़ा टेबलस्पून बटर का भी डाल दिया है। अब इसमें ड्राई खड़ा मसाला डालते हैं। 3 छोटी इलायची, 1 छोटी दालचीनी, ज़ीरा और 4 लौंग। बस इसको आधा मिनट सॉटे करेंगे। 1 मीडियम साइज का अनियन और इसको भी थोड़ा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा हल्का लाइटली ब्राउन हो जाए तब तक हम सॉटे करेंगे। इसी में ही 2 तेज पत्ता डाल रही हूँ। इनफैक्ट तेज पत्ता आप शुरू में ही डाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। 10-12 लहसुन की कलियाँ भी मैं डाल रही हूँ, जिनको मैंने बीच में से आधा काटा हुआ है। और 1 इंच जिंजर मोटा मोटा काट के बस इसको लाइट ब्राउन होने तक सॉटे करेंगे। 1 मुट्ठी काजू, 10-11 गैस को मैंने सिम कर दिया है। 10-11 बादाम डाल रही हूँ। नवाबी पनीर है तो बादाम काजू तो डालेंगे ही। 3 ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ। लाइटली ब्राउन होएगा तब तक हम इसको थोड़ा रोस्ट करेंगे और बीच में हिलाते रहेंगे। हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। थोड़ा लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें मैं 1 कप पानी डाल के कोई 5 मिनट्स तक कुक करने के लिए थोड़ा हाई फ्लेम पर रख देती हूँ। जैसे उबाल आएगा तो सिम कर दूंगी। पैन को कवर करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं गैस को बंद करती हूँ और इस मिक्सचर को ठंडा हो जाएगा तब हम ग्राइंड करेंगे। ये ठंडा हो गया है, इसमें से ये मैं तेज पत्ता और ये बड़े बड़े मसाले निकाल देती हूँ। मिक्सर ग्राइंडर में डाल के बारीक पेस्ट बना ली है। उसी पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर डाल के उसमें जो पेस्ट बनाई थी उसे छन्नी में डाल के स्ट्रेन कर लेंगे ताकि स्मूथ सी पेस्ट पैन में आ जाए और कोई मोटा रेसिड्यू मसाले का होगा तो वो छन्नी से छन के बाहर ही रह जाएगा। बस गैस ऑन कर दी है, अभी इस ग्रेवी को हम पकाएंगे। ग्रेवी को मैं अच्छे से हिला के ड्राई कर रही हूँ। इसमें रेड चिल्ली का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये ग्रेवी जो नवाबी ग्रेवी होती है ये वाइट कलर में ही होती है। ग्रेवी थोड़ी थिक थिक हो रही है तो मैंने गैस को मीडियम करके हिलाती जाऊंगी।
एक टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आधा टीस्पून ब्लैक पेपर, वन फोर्थ टीस्पून व्हाइट पेपर भी डाल रही हूँ, अच्छी फ्लेवर आएगी। गैस के फ्लेम को मैंने कम कर दिया है और इसमें दो टेबलस्पून कर्ड डालूंगी और इसको अच्छे से जल्दी से हिलाएंगे ताकि फटे ना। अब हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा पानी डालते हैं। अब डाल रही हूँ दो टेबलस्पून क्रीम, ये मार्केट से लाई हुई है, आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। एक टीस्पून कसूरी मेथी रगड़ के मैं मिक्सचर में डालूंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रेवी को थोड़ा ढक के 5 मिनट पकने देंगे। हाफ टी स्पून शुगर डाल रही हूँ, आप ज़्यादा कमती अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, हमें बहुत स्वीट अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं हाफ, अगर आपको चलता है तो आप 1 टीस्पून शुगर भी डाल सकते हैं। अभी इसमें पनीर डाल रहे हैं, ग्रेवी मुझे थोड़ी थिक लग रही है इसलिए 1 कप पानी में मिक्स कर रही हूँ। उबाल आ चुका है, अभी मैं कवर करके सिम कर दिया है, गैस को हल्के में 5 मिनट पकाएंगे। थोड़ा केसर को ऐसे ही स्प्रिंकल कर दूंगी, 2 मिनट और पकाएंगे। हमारा नवाबी पनीर तैयार हो चुका है, अब मैं गैस को बंद करके सर्व कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, फिर मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।